प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है पूरा दिन लग गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपकी नज़र में किस तरह की औरतों की लाइफ ज़्यादा बेटर है, हाउसवाइफ्स की या वर्किंग वूमेंस की? मेरी नज़र में तो वर्किंग वूमेंस ज़्यादा खुश है, इसलिए नहीं क्योंकि वो कमाती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। अब इसके लिए ये नहीं कि हम सब जॉब सर्च करने बैठ जाए, घर के अंदर बैठे बैठे भी हम कुछ नया कर सकते, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं या कुछ और जो हमें पसंद हो, कुछ भी, ताकि लाइफ हमारी बोरिंग ना रह जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में हमने आज बनाए हैं मेथी के पराठे और साथ में है लहसुन और टमाटर की चटनी और थोड़ी थोड़ी सी चाय। तो मम्मी पापा नाश्ता कर रहे हैं और उनके साथ सिबू भी घूम घूम के खा रही है और पानी भी पी रही है। तो दोस्तों, आज हम भी कुछ नया कर रहे हैं। दोस्तों, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो आज घर के सारे कपड़े निकाल निकाल कर हम बाहर सुखा रहे हैं। अलमारी भी खाली कर दी है, बेड भी खाली कर दिया है, सब निकाल निकाल के बाहर सुखा रहे हैं। इसमें मम्मी मेरी हेल्प करने वाली है, तो आप भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो मम्मी यहाँ पे सब एडजस्ट करने लगी है, सारा नीचे पहले दरी बिछा रही हैं और उसके ऊपर फिर बोल रही है कि कपड़े डालूंगी, वरना नए कपड़े हैं ये सब ख़राब हो जाएंगे। सिबू को देखो, सिबू भी इंजॉय कर रही है। ये मम्मी सब ये काम करना अभी इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि कुछ दिनों बाद और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो फिर हम सुखा नहीं पाएंगे, मतलब कि ज़्यादा देर धूप में बैठ नहीं पाएंगे। तो अगर अभी टाइम से सुखा लिया तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मधु, अभी जाड़ों के कपड़े ना रख देना इनको, और गर्मी के कपड़ों को निकाल देते हैं, इनको सुखा तो पा के आप रख देना। कपड़े क्यों होता था यार, कपड़े हरे हुए ना, सब लग जाते हैं मम्मी बच्चों में। अरे बच्चों में भी लग जाते हैं, तो इतना कहाँ इनको सारे इतने कपड़े। पूरा दिन लग गया, पूरा बेड खाली किया, पूरा अलमारी खाली किया और अब जाके निपट गया। देखिए लास्ट फिनिश, आज का काम खत्म। दोस्तों, अलमारी से कपड़े निकाल कर बाहर धूप में सुखाने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी उन्हें वापस उठा के एडजस्ट करने में होती है। काफ़ी थकान लग चुकी है, सोचा क्या पता थोड़ी सी चंपी करने के बाद आराम मिल जाए। तो अब हम करते हैं अपने बालों में चंपी नारियल तेल से। तो आप भी हमारे वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।